हाय स्टूडेंट्स, आज इस ऑनियन फिजिक्स लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेक अ मूविंग फ्रेम प्रोजेक्टाइल। छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट आपको मिलने वाली है। हमारे नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे ऑनियन की लेयर्स को खोलने पे अंदर नया ऑनियन निकलता रहता है, उसी तरह से ऑनियन फिजिक्स में हम नई नई सिचुएशंस ओपन करते रहते हैं और लेयर्स में हम कॉन्सेप्चुअल डीप इंसाइट को स्टडी करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर लेक्चर को इंडिपेंडेंट रखूँ ताकि आप अपनी फंडामेंटल नॉलेज से भी हर लेक्चर को समझ सकें और टाइम मिलने पर पुराने लेक्चर्स देख सकें। और लेक्चर के लिए आई स्ट्रांगली एडवाइस कि अगर आप अपने एप्लीकेशन को अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हर वीक के लेक्चर का शेड्यूल और कंटेंट संडे को एक छोटे से वीडियो में रिलीज हो जाता है, जिसे आप ढूंढ सकते हैं ऑन यूट्यूब बाय हैशटैग ऑनियन फिजिक्स शेड्यूल। आप इससे लेटेस्ट शेड्यूल को सर्च कर लें, उसमें ना सिर्फ डेट्स होती हैं बल्कि यह भी होता है कि किस लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। और माय डियर स्टूडेंट, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बिल्ड करने के लिए आप उन चीजों को अगर हमारे फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो से ट्रेडिशनल लेवल पे जो बनाए गए उनसे अगर पढ़ लेंगे जो कुछ ही मिनटों में कवर हो जाते हैं, तो ऑनियन फिजिक्स आपके कॉन्सेप्ट को बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग करेगी। एज फार एज कॉन्टेंट इज कंसर्न, वी आर फॉलोइंग फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 बुक। इस बुक को साथ साथ फॉलो कीजिए। दिस बुक इज लाइक कोचिंग एट होम लैंग्वेज इस लेवल पे बनी हुई है कि आप पढ़ते पढ़ते अपनी सिचुएशंस को इमेजिन कर लेंगे और प्रैक्टिस वर्क हर क्लास का इससे एसोसिएटेड रहता है। आप करते रहेंगे तो फिजिक्स में आई थिंक आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एड ऑन चीजें टाइम के साथ हम देते रहेंगे, देन यू विल कम टू नो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन आज के लेक्चर में आई विल टेक अप शॉट फ्रॉम अ मूविंग कैनन। सिचुएशन की बात करें तो एक कैनन है जो हॉरिजॉन्टल स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड पे चल रही है। बैरल इज एट एन एंगल 60 डिग्री और मजल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है, व्हाट डू वी मीन बाय मजल स्पीड। जब भी मजल स्पीड कहीं पे लिखा हुआ हो, इसका मतलब मजल स्पीड इज ऑलवेज रिलेटिव टू गन और बैरल। आपकी जो गन है या उसकी जो बैरल है उसके रिलेटिव स्पीड है। यानी अगर गन में कोई स्पीड होगी तो इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे रिवर करंट केसेस में हमने बात करी थी कि अगर रिवर फ्लो कर रही है और उसमें स्विमर रिवर के रिलेटिव चल रहा है तो स्विमर वेलोसिटी में रिवर वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे जो शॉट फायर हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, इस शॉट का रेफरेंस फ्रेम कैनन है और कैनन भी मूव कर रही है, तो शॉट के अंदर ये वेलोसिटी एडअप होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इवन मोशन इन वन डायमेंशन ने एलिवेटर केसेस करे थे, तो एलिवेटर से अगर कोई बॉडी या चलते हुए बलून से कोई बॉडी अलग होती है तो उसमें बलून या एलिवेटर की वेलोसिटी भी अटैच रहती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए यहां पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ शॉट। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एंड अ वेरी सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। शॉट की रेंज निकालनी है इफ ओ पॉइंट के ऊपर शॉट फायर किया गया था। तो सबसे पहले आप यहां पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फॉर शॉट अगर हम यू एक्स निकालें यानी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो शॉट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 20 कॉस 60 प्लस ये 20 भी ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी 20 कॉस 60 डिग्री। तो बैरल के रिलेटिव है लेकिन कैनन भी चल रही है तो इसमें ये 20 भी ऐड होगी। सो दिस कम्स आउट टू बी 30 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ शॉट। वर्टिकल स्पीड ऑफ शॉट निकालेंगे तो 20 साइन 60 लेंगे वर्टिकल, दिस विल बी यू साइन अल्फा। Horizontally you will take u cos alpha plus vc. तो u cos alpha plus vc ले चुका हूँ। y direction में it is u sin alpha is 20 sin 60 degree. So this comes out to be 10 root 3 meters per second. Sin 60 I'll take root 3 by 2. So in this case vertical velocity आ गई, horizontal आ गई। अब दो one dimensional motion है और आपको पता है time of flight of a projectile, क्योंकि ये short projectile motion follow करके ground पे hit करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन से निकालना होता है। सो अगर अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जा सकता है टी एफ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ यू वाई बाई जी। ये रिजल्ट बेसिक लेवल पे पता होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने सिक्वेंशली हमारे लेक्चर वॉच करे हैं तो ये सारे टिप्स पे होंगे रिजल्ट कि यू से फायर किया रिटार्डेशन जी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट यू बाई जी जाना और यू बाई जी आना यानी टू यू बाई जी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दिस शुड बी टू इंटू UY is 10 root 3 divided by 10. So this comes out to be 2 root 3 second. ये इसका time of flight होगा। अब time of flight आ गया हमारे पास, so time of flight की duration में कितना ये horizontal चलेगा, if we wish to calculate the range. So horizontal range can be given as, directly you can write R is equals to UX into time of flight. ये हमेशा ध्यान रखना है। So UX is 30 multiplied by 2 root 3, that comes out to be 60 root 3 meter. ये इस question का answer आ गया, that's it. So question solve करने में किसी तरह का कोई confusion नहीं होना चाहिए, this is a fundamental point. आइए इसी situation में और cases की बात करते हैं। पोजी clear करो। थैंक यू पोजी।
सो स्टूडेंट सेम सिचुएशन है लेकिन केस बदल गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड प्रोजेक्शन एंगल ऑफ शॉट एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर जब इस शॉट को देखता है तो इसको इसका क्या प्रोजेक्शन एंगल ऑब्जर्व होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 60 डिग्री क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऑब्जर्वर इस कैनन के ऊपर बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर वी है तो इस बी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैनन 60 डिग्री पे इसकी बैरल है, तो ऑब्जर्वर बी को ये शॉट 60 डिग्री पे अपीयर होगा। सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में फाइंड प्रोजेक्शन एंगल ऑफ शॉट एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ए एंड बी, मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, दिस ऑब्जर्वर बी। सो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन में लिख सकते हैं थीटा ऑब्जर्व्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये तो एक आंसर आ ही गया क्योंकि बी कैनन पे बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में कैनन हमेशा रेस्ट पे रहेगी, रिलेटिव मोशन हमने रिसेंटली कवर किया है। सो क्योंकि ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में कैनन रेस्ट पे है तो जिस एंगल पे बैरल है उसी एंगल पे फायर होता हुआ दिखेगा। नाउ अगर थीटा ए निकाला जाए तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज बीइंग फायर्ड और इट इज मूविंग, दिस ऑलवेज गिवन एज टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स, ये बात भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो बेसिक आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो ये फार्मूला दिमाग में रख लो, किसी भी एंगल पे अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसका एंगल दिया जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स। सो यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमको पता है इट इज़ टेन इनवर्स ऑफ, अभी अभी पिछली स्लाइड में कवर करिए, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वॉज 20 साइन 60 डिग्री, दैट वॉज 10√3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वॉज 20 cos 60 + 20, दैट वॉज 30 meters per second। सो दिस कम्स आउट टू बी 10 इनवर्स ऑफ 1/√3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ध्यान से समझो, इस ऑब्जर्वर को ये शॉट 30 डिग्री पे फायर हुआ हुआ दिखेगा, वेयर इज एक्चुअली ऑब्जर्वर बी नहीं है, जिसने कैनन चलाई है उसने 60 डिग्री पे चलाई, दिस अ वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट केस। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक और हमसे, फाइंड एंगल एट विच शॉट विल लैंड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे ये शॉट किस एंगल पे लैंड करेगा, बिना सोचे समझे आप 30 डिग्री को इसका आंसर लिख सकते हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से देखने पे अगर 30 डिग्री पे फायर हुआ है तो प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन एंगल और लैंडिंग एंगल हमेशा बराबर होता है फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये हमेशा ये चीज एज अ फैक्ट दिमाग में रखें, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में अगर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, जैसा कि यहाँ पे नहीं है, सो इन दैट केस हम प्रोजेक्शन एंगल और लैंडिंग एंगल को सेम लेंगे, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस केस। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और केस की बात करते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो सेम सिचुएशन में एक और लेयर ओपन करते हैं, यहाँ पे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कैनन एंड शॉट व्हेन इट लैंड्स ऑन ग्राउंड। तो जब ये कैनन ने शॉट को फायर किया तो कैनन चल रहा है 20 मीटर्स पर सेकंड से, कैनन रुका नहीं है और शॉट लैंड करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 60√3 meters। ये अभी हमने रेंज निकाल ली थी फर्स्ट केस के अंदर, 60√3 meters डिस्टेंस पे कैनन लैंड करता है और अगर t=0 पे फायर किया गया है तो लैंडिंग जो टाइम है वो है 2√3 seconds, ये भी हमने कवर कर लिया था। नाउ इन दिस केस जब ये लैंड करता है उस वक्त कैनन कहाँ होगी ये निकालने, तो 2√3 seconds टाइम कॉमन वेरिएबल होता है। मेरे इन अलग अलग केसेस को लेने का पर्पस आपको बेसिक फंडामेंटल लेवल पे बूस्ट करना है कि टाइम हमेशा एक गिवन सिचुएशन में कॉमन होता है, चाहे कैसा भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ जाए, एक बेसिक थंब रूल ध्यान रखना, टाइम is always a common variable for all the given situations in a single question. तो यहां पे टाइम हमने निकाल लिया तो उस टाइम पे कैनन कहां पहुंच जाएगी, मान लेते हैं कैनन इस जगह पे पहुंच गई एक एम पॉइंट पे। सो हम ये कह सकते हैं इन सॉल्यूशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैनन इन टाइम 2√3 seconds इज, ये डिस्टेंस होगी ओ एम एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू वी सी मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि कैनन वी सी स्पीड से चल रही है, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता तो वी सी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्पीड इक्वेशन लगा देते, कोई कन्फ्यूजन वाली तब भी बात नहीं थी। आगे लेते हैं, दिस वी सी इंटू टी एफ एंड दैट विल कंसिडर एज दिस 20 × 2√3, तो दिस इक्वल्स टू 40√3 meters। सो अब हमको निकालना है m मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पॉइंट p, अगर ये p पॉइंट पे कैनन शॉट लैंड कर रहा है तो हमको निकालना है mp। सो mp इज इक्वल्स टू व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, द डिस्टेंस बिटवीन कैनन एंड शॉट, द फाइनल आंसर mp इज इक्वल्स टू op माइनस om, सो दिस 60√3 माइनस 40√3, दिस कम्स आउट टू बी
20√3 मीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा. जरा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं इसी सिचुएशन को, क्योंकि मैं पूरे केसेस यहीं से ही समझा रहा हूँ. जिस भी तरह के क्वेश्चन, चाहे जेई मेन में आए, नीट में आए, जेई एडवांस में आए, इस एक वैरायटी से सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा. जस्ट प्रोसीड फर्दर पोजी. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी फंडामेंटल. अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन सेज इफ कैनन इज एक्सेलरेटिंग एट 2 m/s², फाइंड द सेपरेशन बिटवीन कैनन एंड शॉट आफ्टर 1 सेकंड. एक सेकंड बाद कैनन और शॉट का सेपरेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली एक सेकंड बाद तो कैनन कहीं हवा में होगा, दिख रहा है 2√3 सेकंड बाद लैंड कर रहा है, तो हवा में कहीं होगा. तो हवा में है तो उसकी कुछ वर्टिकल हाइट होगी और हॉरिजॉन्टल कैनन से डिस्टेंस होगा, तो पाइथागोरस से हम इनका सेपरेशन निकाल लेंगे. सो पहले कैलकुलेट करते हैं 1 सेकंड बाद कैनन की हाइट क्या होगी. हाइट कैनन की नहीं, शॉट की हाइट क्या होगी. हाइट ऑफ शॉट आफ्टर 1 सेकंड. सो अगर वाई का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये होगा UYT − ½GT² अपवर्ड थ्रो किया 10√3 m/s से. सो 10√3 m/s से विल यूज 10√3 × 1 − ½ × 10 × 1² आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या किया है, UT − ½GT² लगाया. सो वी जस्ट पुट द वैल्यूज, सो दिस गिविंग मी 10√3 − 5 m. ये हमारी कैनन की हाइट आ गई. जहाँ कहीं भी होगा कैनन एक सेकेंड बाद, समवेयर वी कैन कंसिडर यहाँ कहीं होगा. ये हम कोई एक एन पॉइंट ले लेते हैं, इस जगह होगा एट t = 1 सेकेंड. सो इसकी जो भी वाई हाइट है वो निकल के आ गई. अब अगर कैनन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ शॉट आफ्टर 1 सेकंड, तो एक्स आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सेलरेशन यहां पे है नहीं. सो इन दैट केस यू कैन सी हॉरिजॉन्टल यू कॉस अल्फा प्लस वी सी, ये इसकी यू एक्स होगी और ये वैल्यू हमने निकाली थी 30 m/s, क्योंकि यू इज 20 cos α = 10 + 20 = 30 m/s. सो दिस कम्स आउट टू बी यू कॉस अल्फा प्लस वी सी मल्टीप्लाइड बाई टी. सो दिस कम्स आउट टू बी 30 m, क्योंकि टाइम इज 1 सेकंड. अब हम कैलकुलेट करें कि कैनन एक सेकंड में कितना चलेगी, वो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम निकालें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कैनन इन 1 सेकंड. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कैनन इन 1 सेकंड निकालेंगे हम एक्स सी, ये होगा हमारे पास UT + ½AT². ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, एक बार शॉट कैनन से अलग हो गया तो भले कैनन एक्सेलरेट हो रही है, कुछ हो रहा है, शॉट में कभी एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा. किसी भी चलते हुए फ्रेम से कोई बॉडी अलग होती है तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इन दैट केस किसी भी कंडीशन में एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होती है. ये चीज़ें ध्यान रखेंगे. सो इन दैट केस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कैनन, सो दैट कैन बी गिवन एज UT 20 × 1 प्लस हाफ इंटू कैनन का एक्सेलरेशन है 2 × 1² सो आप देखिए आ गया 20 + 1 = 21 m. सो अब आप देखिए कैनन और शॉट के बीच में, मान लेते हैं कैनन यहाँ पे आ गई अप टू अ पॉइंट क्यू. सो कैनन एक्स सी आगे चले गई, शॉर्ट एक्स डिस्टेंस आगे चले गया और वाई डिस्टेंस ऊपर चले गया, तो ये वाला डिस्टेंस होगा हमारे पास x − xc. सो हमारे पास कैनन और शॉट का सेपरेशन डायरेक्टली निकल जाएगा. कैनन या हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है. ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि कैनन यहाँ पहुँच चुका है, शॉट यहाँ पहुँच चुका है, तो ये पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे. कैनन और शॉट का सेपरेशन अगर एल है तो हमको निकालना है सेपरेशन बिटवीन कैनन एंड शॉट. तो ये मैं कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, तो ये वाला सेपरेशन एल होगा √y² + x − xc² सिंपल पाइथागोरस. आई नीड टू अप्लाई वाई का वैल्यू भी है, x का वैल्यू भी है, एक्स सी का वैल्यू भी है, तो आई थिंक इजिली यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड दिस गिविंग यू √10√3 − ∅² + x − xc = 30 − 21 = 9. सो दिस इज 81. ये हमारा आंसर आ गया. न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यू कैन डू, या जो भी एग्जाम में गिवन होगा MCQ, तो जिस फॉर्मेट में वी कैन मैनेज विद दिस. सो यू नीड टू बी केयरफुल, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन एनहांस हो रही है, बाकी केसेस में कुछ भी नहीं है. एक दो और केसेस लेते हैं, पोजी क्लियर करो.
थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है इसी केस के ऊपर जो हमने अभी पढ़ाया, इसी सिचुएशन के ऊपर एक केस है जो आपको सॉल्व करना है. माय डियर स्टूडेंट द क्वेश्चन इज फाइंड एंगल एट विच शॉट इज मूविंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज ऑब्जर्व्ड बाय ए एंड बी. दो ऑब्जर्वर हमने बात करी थी, आपकी कॉपी में नोट्स मिल जाएंगे, पीछे रिवाइंड करके यू कैन रीड्रॉ द सिचुएशन. ए और बी जो ऑब्जर्वर थे, इन दोनों ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि भैया t इक्वल टू 1 सेकेंड पे शॉट की हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे मोशन है, यानी वेलोसिटी का एंगल क्या है. फॉर्मूला वही है, tan इनवर्स ई बाय वाई एक्स, उससे आप निकाल लेंगे. तो हमको ये निकालना है कि 1 सेकेंड बाद a और b को क्या एंगल दिखाई देगा अगर कैनन विद और विदाउट एसेलरेशन मूव करेगी. मतलब चार आंसर निकलेंगे. एक तो अगर कैनन में एसेलरेशन नहीं है तो a और b को क्या एंगल दिखेगा 1 सेकेंड बाद, और अगर कैनन में एसेलरेशन है तो ए और बी को इसका क्या एंगल देखेगा आफ्टर 1 सेकेंड. सो दीज 4 आंसर्स यू नीड टू कैलकुलेट और कमेंट सेक्शन में डालने हैं. और माय डियर स्टूडेंट कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लग रहा है डिफिकल्ट बट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स, जो मैंने आपको बताया था. प्रैक्टिस करना जरूरी है, कमेंट सेक्शन से ही आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. फर्क इतना सा है कि आप पहले लेंगे कैनन सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो बी को कैनन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या दिखेगी बी के रिलेटिव, और ए को क्या दिखेगी वो वी एक्स निकल जाएंगे. इसी तरीके से जो कैनन की वर्टिकल वेलोसिटी है वो ए और बी को क्या दिखेगी, वो सेम दिखेगी क्योंकि ए और बी में कोई वर्टिकल मोशन नहीं है. दैट मीन्स अगर ए और बी में वर्टिकल मोशन नहीं है तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जो कैनन की जो शॉट की है वही रहेगी, सो वी विल रिमेन सेम. तो ये दो आंसर पहले निकल गए विदाउट एसेलरेशन इन कैनन, और जब कैनन में एसेलरेशन होगा तो क्या होगा दैट ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट. अब मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता हूँ कि जब शॉट फायर हुआ तब कैनन की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड रही थी टी इक्वल्स टू जीरो पे. सो एक बार शॉट निकल गया तो ए तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना. सो अब कैनन मूव हो चाहे ना हो, चाहे एक्सेलरेट हो चाहे ना हो, ए के रिस्पेक्ट में तो शॉट का मोशन वही रहने वाला है. इसका मतलब यहां पे विद और विदाउट दोनों केसेस में जो थीटा एज ऑब्जर्व्ड बाय ए आएगा वो सेम रहेगा, यानी चार में से दो आंसर तो सेम रहेंगे. तो आपको तीन ही आंसर निकालने, एक हिंट तो मैंने दे ही दिया. अब इसको कैलकुलेट करो, कमेंट सेक्शन में डालो, आपस में ही डिस्कस करोगे तो यू विल गेट द होल आइडिया अबाउट इट. और इस डिस्कशन का विल ऑल्सो क्रिएट सून अ गुड फोरम ऑन विच यू कैन इंटरेक्ट, और लाइव क्लासेस जब भी आएंगी देन ऑन दैट फोरम विल बी मूविंग अहेड. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे. प्रोजेक्ट क्लियर करें. थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट एक और सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है. वी आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द प्रोजेक्शन ऑफ बॉल फ्रॉम अ बलून. पिक्चर दिख रही है, एक बलून है, इट इज गोइंग अप एट 20 मीटर्स पर सेकेंड टी इक्वल टू जीरो पे. वन बलून हाइट इज 100 मीटर फ्रॉम ग्राउंड. एक बॉय ने इसमें से एक बॉल फायर करी एट अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री. सो ऑब्वियसली एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और फाइनली ये बॉल ग्राउंड पे पी पॉइंट पे हिट करने वाली है. नाउ इन दिस सिचुएशन क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल. सो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालते हैं, वर्टिकल मोशन से निकालते हैं. सो यहाँ पे हम सबसे पहले यही करेंगे फॉर बॉल, विल टॉक अबाउट द वर्टिकल मोशन. सो अगर फॉर बॉल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देखोगे तो प्रोजेक्शन स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू बलून गिवन है, यानी बलून में से बैठ के 40 मीटर पर सेकेंड या मजल स्पीड होगी जिस बैरल से इस बॉल को फायर किया या थ्रो किया है. सो अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो अगर प्रोजेक्शन स्पीड यू है तो इट विल बी यू साइन 30 डिग्री प्लस वी बी. दिस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, क्योंकि बलून की वेलोसिटी एड हो जाएगी उस बॉल के अंदर जो बॉल यहाँ से फायर करी, क्योंकि अगर ये फायर नहीं भी होती तो बॉल 20 मीटर पर सेकंड से बलून के साथ ऊपर जा ही रही थी. सो दिस वेलोसिटी इज देयर इन द बॉल. सो यहाँ पे हम यू वाई की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 इज 1/2 प्लस 20, दिस कम्स आउट टू बी 40 मीटर्स पर सेकेंड. अगर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 40 मीटर्स पर सेकेंड है, मैं डायरेक्टली ये लिख लेता हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 40 मीटर्स पर सेकेंड. सो ये बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिरेगी. सो ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वी वाई जो जीरो हो रही है, ये हो रही होगी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू यू वाई बाई जी पे, यानी 40 डिवाइडेड बाई 10, दिस कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड, दिस कम्स आउट टू बी 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी टॉप पे जीरो हो जाएगी और फिर ये वापस नीचे गिरेगा. अब अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूँ कि कितनी ऊपर जाने के बाद ये जीरो हुआ, तो
तो ये वाली हाइट होगी यू वाई स्क्वायर बाई टू जी. ये फॉर्मूले सारे टिप्स पे दिमाग में बैठा लो. अगर आप पुराने लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो ऑलरेडी टिप्स पे बैठ गए होंगे, क्योंकि हम इतनी सिचुएशंस एनालाइज कर चुके हैं कि बार बार यूज करते हुए दिमाग में याद अपने आप हो जाती हैं चीज़ें. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि ऑनियन लेक्चर्स को साथ साथ फॉलो करो, कहीं पर चीज़ों को मिस करो. और अगर स्टूडेंट्स ने अभी तक, कुछ व्यूअर्स हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन फुल्ली ऑन रखो. बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नोटिफिकेशन नहीं गए थे, बट नाउ notifications will be continued. So in this situation, अगर height यहाँ पे uy square by 2g देखी जाए, so h का value आएगा हमारे पास 40 square divided by 20, this 1600 by 20 is 80 meter. यानी 80 meter जाके ये रस पे आया. अब ये जब नीचे गिरेगा तो फाइनली ग्राउंड पे पहुँचने का टाइम t2 क्या होगा? ये जो t1 है ये तो हमने निकाल लिया 4 सेकेंड. ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम क्या होगा? अब जीरो वेलोसिटी से गिरा है, सो t2 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 2h बाई जी. और h क्या होगा यहाँ पे? दिस विल बी 80 प्लस 100, क्योंकि 100 मीटर तो पहले से है ना ऊपर, ये 100 प्लस 80, इट शुड बी टेकन एज 180. सो दिस विल बी रूट ऑफ 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10, तो रूट 36 सेकेंड्स. यानी ऊपर से नीचे आने का टाइम 6 सेकंड है और ऊपर जाने का 4 सेकंड है, तो ग्राउंड का टोटल जो टाइम होगा, दिस विल बी t2 प्लस t1, दिस विल बी 10 सेकंड. यानी t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे p पॉइंट पे हिट करेगा. सो टाइम ऑफ फ्लाइट tp कैन बी रिटन एज t1 प्लस t2, दिस इक्वल्स टू 10 सेकंड. ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आप अच्छे से देखें कि अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन समझ आई या नहीं आई. इसमें प्रोजेक्टाइल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लिया तो ऊपर जाने का टाइम फिर आने का टाइम डायरेक्ट निकाल लो. और इस कैलकुलेशन को तो मैंने समझा के किया, अदरवाइज ये तो ओरली हो रही थी. और कई बच्चों को लग रहा होगा ये तो स्पीड इक्वेशन से भी निकाला जा सकता था. बिल्कुल निकाला जा सकता था. इसी का ऑल्टरनेटिव एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है. यहाँ तो मुझे यू बाई जी और रूट टू एच बाई जी डायरेक्ट ओरल कैलकुलेशन से निकालना. ऑल्टरनेटिव इसका होगा, यू विल राइट माइनस 100 इज इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर. इससे डायरेक्टली आप सॉल्व कीजिए, ये टीपी निकल के आएगा. ये कैसे लिखा मैंने? इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट लिया माइनस 100, वेलोसिटी ली 40 tp, माइनस जी क्योंकि जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, माइनस हाफ जी, हाफ जी इज 5 tp स्क्वायर. करके देख लो, दिस रिजल्ट यू विल गेट डायरेक्टली बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. विच आर मेथड यू लाइक यू कैन फॉलो. आइए एक केस और देखेंगे. पोजी क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, सेम सिचुएशन में एक केस हो रहा है. फाइंड एंगल एंड वेलोसिटी एट विच बॉल हिट्स द ग्राउंड. पहले भी किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, बट फिर भी बेटर होगा हम करें कि हमको एक तो ये वेलोसिटी निकालनी है पी पॉइंट पे क्या होगी और किस एंगल थीटा पे हिट करेगी. सो इसका सीधा सा तरीका है, Vx Vy निकाल लो, दोनों काम हो जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे हमको सॉल्यूशन में ऑलरेडी पता है कि Vp का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे होता है रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और थीटा होता है टेन इनवर्स ऑफ Vy बाई Vx. तो ये फार्मूला हम इतनी बार यूज़ कर चुके हैं कि डायरेक्ट टिप्स पे होने चाहिए. तो विद इन 30-40 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. हेयर अगर Vx निकालेंगे तो ये Ux के बराबर होगा, और Ux क्या है? दिस 40 cos 30 degree, दिस 40 cos 30 degree, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती. दिस 20√3 मीटर्स पर सेकेंड. Vy निकालोगे तो यहाँ पे Vx तो हॉरिजॉन्टल सेम है, और Vy डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर निकालना चाहेंगे तो डायरेक्टली देखो ये 180 मीटर हाइट गिरा है टोटल. तो 180 मीटर गिरने के बाद इस पॉइंट पे Vy क्या होगी? दिस कैन बी रिटर्न एज रूट टू जी एच. सो आई कैन राइट इज रूट ऑफ 2 इंटू जी इज 10, एच इज 180. सो दिस रूट 3600 इज 60 मीटर्स पर सेकेंड. तो क्वेश्चन हो गया. वी पी का वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, इट इज रूट ऑफ 20√3 स्क्वायर. दिस 400 इंटू 3 दैट इज 1200 प्लस 60 स्क्वायर इज 3600. अब जो भी आएगा निकालो, कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं अपन. थीटा इज 10 इनवर्स ऑफ Vy by Vx. Vy is 60, Vx is 20, so 60/20√3, तो आई थिंक ये आ गया अपने पास रूट थ्री. तो ये वैल्यू डायरेक्टली 60 डिग्री निकल के आ रही है. सो वी कैन राइट दिस डायरेक्टली एज आंसर. एंगल भी आई थिंक ये भी निकालो, दिस विल बी रूट ऑफ 4800. तो 10√48, आई थिंक कैलकुलेशन हो जाएगी इन मीटर पर सेकेंड. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन. सो माई डियर स्टूडेंट, फंडामेंटली अब इस केस में कई तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं, इस सिचुएशन में कई केसेस बनाए जा सकते हैं.
कि बलून में एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा, तो बलून के ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन चेंज हो जाएगा, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो क्या होगा, उसके रिलेटिव केस चेंज हो जाएगा. सो अब मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप बेसिक थ्योरी फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से रीड आउट कर लो. बहुत ज़्यादा केसेस बुक में नहीं है, थर्ड एडिशन के अंदर ये एक सेपरेट सेक्शन है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए डिटेल में लिया. कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.8 आई थिंक देख लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. यस, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.8 में आपको इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन बुक के अंदर मिल जाएंगे. पहले ही बता चुका हूँ, जस्ट फॉलो फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 बुक फॉर थ्योरी. कोचिंग एट होम की तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग लेवल वुड बी परफेक्ट. यहाँ पे छोटा सा लेक्चर था बट आई एम कंक्लूडिंग ओवर हियर. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. फिर एक क्लास और रखेंगे फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस. बहुत सारे केसेस क्विकली विल टेक अप, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट स्टे ट्यून्ड और आप शेड्यूल को लगातार फॉलो करते रहें. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. विश ऑल द best.